हेलो सुस्वागतम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं खजूर का हलवा, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार, विदाउट शुगर। तो इस स्पेशल हलवे के लिए हमने लिए ये 1.5 कप दाल है, चने की दाल है, ये 1.5 कप खजूरें हैं नरम वाली, इन दोनों को हमने 3 से 4 घंटों के लिए भिगो कर रख लिया था, और ये 1.5 कप दूध है, और खजूरों को हमने गुठलियाँ निकाल दी थी, छिलके और गुठलियाँ निकाल दी हैं, और अब इनको हम हल्का सा ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हमने हल्का सा ही करना, ज़्यादा नहीं करना, न हमें खजूरों को बिल्कुल नहीं बनाना है और न ही दाल को बिल्कुल आटा सा कर लेना है, हमें हल्का सा करना है ताकि खाने में ये थोड़ा सा क्रिस्पी सा है। ये 1/2 कप घी है जिसे हमने गर्म कर लिया है, और साथ ही इलायची भी डाल दी है। हमारा घी गर्म हो चुका है तो हम इसमें दाल को डाल के इसको दाल को पकाएंगे 4-5 मिनट के लिए। चम्मच आपने रोकना नहीं है, चलाते जाना है ताकि ये लगने ना पाए नीचे। दाल को तब तक पकाना है जब तक कि ये घी ना छोड़ने लगे, और फिर बाद में हमने इसमें जो खजूरों का जो पल्प है उसे मिला देना, और फिर दोनों को फिर से पकाना है। ये खजूरें जो हमने ग्राइंड की थी, और अब हम दाल घी छोड़ रही है तो अब हम इसमें खजूरें जो हमने ग्राइंड करके रखी थी वो शामिल करेंगे, और इसे फिर से पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। चम्मच आपने हिलाते रहना है, रोकना नहीं है। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, और अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, और फिर से हम पकाएंगे इसे कुछ देर के लिए जब तक ये जो दूध है हमारा ये अच्छी तरह से इसमें ऑब्जर्व ना हो जाए और हमारा हलवा घी ना छोड़ने लगे। चम्मच अपने चलाते रहना है, रोकना नहीं है। दूध हमारा ऑब्जर्व हो चुका है, और अब हम इसे खुश्क करेंगे। हलवा हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए 1 या 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर रख लेंगे। हाँ जी, अब ये बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसे डिश आउट करेंगे और बस खाएंगे, और क्या। ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाला हलवा है, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये चीनी बिल्कुल नहीं डाली, मगर इसके बावजूद बहुत ही मीठा बना है, और दाल हमने इसीलिए डाली थी ताकि इसको जब मीठा बने वो थोड़ा सा कम हो जाए, और ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और मज़ेदार बना है। ये जी हमने डिश आउट कर लिया है, और देखें किसकी शक्ल अच्छी बनी है, और इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स से। तो अभी नहीं थे अवेलेबल, इसे नहीं डाले, मगर आप डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। और आपने अगर एंड तक ये वीडियो देखी है तो थैंक्स अ लॉट, और अब इजाज़त लेंगे, बाय, टेक केयर।